Welcome students, I am Rashmi, your English teacher. So today we are doing letter to editor. आप कहेंगे मैडम लेटर तो आपने पहले भी करवाए थे. बिल्कुल ठीक है, पहले मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर्स करवा रखे हैं, लेकिन तब जो है मैंने आपको लेटर टू एडिटर नहीं करवाया था. देखिए बच्चों, एट्थ क्लास हो या कोई आपकी कोई सी भी क्लास हो, सेवन्थ है, एट्थ है, टेंथ क्लास, इलेवेंथ क्लास, ट्वेल्थ क्लास, उसके जो है सिलेबस में आपको लेटर टू एडिटर जरूर आता है. दिखने में लगता है कि बहुत सिंपल है, वास्तव में ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है. और मैंने जो इसका एक फॉर्मेट बनाया है, देखिए ये पूरा जो है बना रखा है, एक बार आप देखिए. आप इसके बेसिस पर यदि करेंगे, भले ही आपको टॉपिक से रिलेटेड दो या तीन लाइन आ रही हूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो भी आपका यदि पांच नंबर का है तो आपको चार नंबर जरूर मिल जाएंगे. ट्वेल्थ क्लास में थोड़ी वर्ड लिमिट ज्यादा है, टेंथ क्लास में कम है. आपका जो है टेंथ क्लास में वर्ड लिमिट 100 to 120 है, और ट्वेल्थ में आपकी जो है 130 या 150 तक वर्ड लिमिट जा रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा ज्यादा लिख लेना. तो ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है कि फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल क्या है, क्योंकि ये सब मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूं. तो मैं जस्ट आपसे शुरुआत करती हूं कि लेटर टू एडिटर है क्या. देखिए, जब जो एडिटर किसका होता है, हिंदी में कहते हैं संपादक, न्यूज़पेपर का. जब कोई ऐसी चीज होती है कि जो हम चाहते हैं कि सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हो उसकी तरफ, तो अखबार में दे देते हैं या टीवी में आता है, जैसे न्यूज आती है तो हर कोई देखता है. तो इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स भी अपने आप जो है एक कॉलम होता है साइड में, वहां पर आप जो है दे सकते हैं अपने विचार, और वो न्यूज़पेपर में बकायदा आएंगे. ठीक है, और ये हम आपको लेटर लिखना सिखा रहे हैं. इसके अंदर आप एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस. सेंडर मैंने जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, किस बारे में भेज रहा है, ये तीन बातें आपको याद रखनी है. तो अब देखिए, सेंडर, सेंडर मैंने जो भेज रहा है, यदि उन्होंने एड्रेस दे रखा है कि फला 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 स्ट्रीट फला सिटी, तब तो ठीक है, तीन लाइन में आएगा ये. ठीक है, आपका स्ट्रीट है या आपका कोई भी मोहल्ला है, आपका नाम है, तो वो जो है आपका लगभग तीन लाइन में आता है. और यदि नहीं दिया हुआ तो परेशान मत होना कि रश्मि मैडम ने कहा था कि ये एड्रेस आएगा, ये तो दे ही नहीं रखा. भाई नहीं, यदि नहीं दिया हुआ तो हमारे पास उसके भी बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आपका एड्रेस क्या है इस समय, एग्जामिनेशन हॉल है. एग्जाम, स्पेलिंग याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन हॉल, एच कैपिटल आएगा, ई कैपिटल आएगा, कॉमा, सेंटर एबीसी, क्योंकि आपको पता है हम बोर्ड के एग्जाम में अपना जो है लोकेशन, हम कहां से दे रहे हैं पेपर, क्या कर रहे हैं बेटा, हम लिखा नहीं करते, बशर्ते पेपर में ना दे रखा हो. पेपर में यदि दिया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. अब सेंटर हो गया बेटा, उसके बाद डेट, मार्च ले लो, आपके एग्जाम मई में है, आप मई भी ले सकते हैं, अप्रैल भी ले सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और 2021. ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे आ गए हम, दूसरे स्टेप पे आ गए टू. टू के बाद जो है आपको कॉमा नहीं लगाना, यदि आप कॉमा लगा दोगे तो आपका आधा नंबर या एक नंबर कट जाएगा. टू द एडिटर, क्योंकि एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, द का टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, संपादक, और न्यूज़पेपर का नाम यदि उन्होंने दे रखा है, एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, यदि नहीं दे रखा तो मैंने वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया. यदि उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स दे रखा है, आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं, और यदि टाइम्स ऑफ इंडिया आपको नहीं लिखना, आप हिंदुस्तान टाइम्स लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, यदि नहीं दिया हुआ. और यदि दे रखा है आपको तो फिर आप वही लिखेंगे जो पेपर में दिया हुआ है. तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और डेली हो गया, स्टेट कुछ भी और भी लिख सकते हैं, यदि नहीं दिया हुआ, आपकी इच्छा है. अब
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए, आप जो एग्जाम में है, मैं तो आपको जर्नल एक फॉर्मेट बता रही हूं अभी, जस्ट एज लाओ मैं यहां ही से ले लेती हूं। न्यूसेंस कॉज बाय द लाउड स्पीकर, आप फिलहाल ये टॉपिक ले लीजिए, ये आपके पास एग्जाम में आया भी हुआ है। लाउड स्पीकर जो भी जो है एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये मैंने टॉपिक लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर लिख दो, डियर सर, हम रिस्पेक्टेड ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब आपका आ गया पांचवा स्टेप, फिफ्थ स्टेप। अब देखिए, ये लाइंस आप अच्छे से समझ लो सारे बच्चों, और इसे याद भी कर लो, इसमें कोई गलती मत करना बेटा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू मैंने माध्यम से, आपके कॉलम, मैंने आपको कहा था कॉलम बना हुआ होता है बेटा लेफ्ट में, तो उस थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, योर नहीं, तुम्हारी अटेंशन नहीं करनी, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको बताऊंगी। यदि आपकी जो है कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, तो फिर काम कैसे होगा। जगह जगह जो है सड़कों पर गड्ढे हैं, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है, रैश ड्राइविंग है, और जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, ईव टीजिंग है, लड़कियों से छेड़छाड़। तो इस तरह की जब हम प्रॉब्लम, जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमारे स्कूल के सामने ये हो रहा है या इस मोहल्ले में ये हो रहा है, तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा। तो फिर से देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज AUTHORITIES एंड पब्लिक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है आपका, आप कुछ भी टॉपिक ले लीजिए। देखिए, एक बार मैं आपको टॉपिक फिर से पढ़ दूं बेटा, कितने सारे टॉपिक हैं यहां, एक बात मैं आपको और बताऊंगी। देखिए, एक तो प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपकी लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या सड़क पर देर आर सो मैनी बिग बिग पैथोज ऑन द स्ट्रीट, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये प्रॉब्लम है, या स्ट्रीट लाइट्स नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिए, वाटर सप्लाई है, रेगुलेट द वाटर सप्लाई, पानी ही नहीं आता, दिन भर प्यासे बैठे रहते हैं, ये भी समस्या है, और इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स है, रैश ड्राइविंग है, और टू मेंटेन सैनिटेशन एंड हाइजीन, सफाई की व्यवस्था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गार्बेज, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। और देखिए, क्राइम रेट, ईव टीजिंग, और न्यूसेंस कॉज बाय द लाउड स्पीकर, बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। 90% तो आपकी प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम में एडिटर के लिए, लेकिन लेकिन सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं बेटा जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे COVID-19 पर आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने एडिटर को जो है लेटर लिखा है, और उसमें यू आर डिस्कसिंग COVID-19 द प्रॉब्लम्स, कि वी विल हैव, वी शुड मेंटेन द यू नो सोशल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा, वी शुड हैव द मास्क, इस टाइप से आप बातें कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गया, इसे हम प्रॉब्लम नहीं कह रहे, मैं इसको डिस्कशन कह रही हूं, ठीक है। और है आपका वोमेन के ऊपर है, ठीक है, कंप्यूटर्स है, कि रिस्पेक्टेड सर की इतने इतने जो है, अब देखिए यहां हम चेंज कर देंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये डिस्कशन है, वोमेन के ऊपर है और एजुकेशन के ऊपर है, जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज को कहने के दो तरीके होते हैं, या तो हम डिस्कस करते हैं, जैसे अब आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, या मैं कंप्लेंट कर रही हूं कि अरे भाई यहां ये नहीं हो रहा, वहां ये नहीं हो रहा, इसे कहते हैं प्रॉब्लम। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो ऐसे में जब हमको ये कॉमन टॉपिक डिस्कस करने हैं बेटा, वहां पर आप ये नहीं लिखोगे वेरियस कंप्लेंट हैव बीन रजिस्टर्ड, बस, ठीक है, कि बहुत सारी शिकायतें की गई हैं, ये आप छोड़ दोगे, लेकिन जो 90% जो मैंने आपको बताया है, वहां आप करोगे वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, किसके खिलाफ, अगेंस्ट ईव टीजिंग, अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ स्ट्रीट्स, अगेंस्ट द स्ट्रीट लाइट्स दैट आर नॉट वर्किंग, सो मेनी थिंग्स, एक साथ मैंने इतनी सारी चीजें आपको डिस्कस करवाई है। अब आई रिक्वेस्ट यू, दो चार अप्लाई में और लिख देना अपनी तरफ से जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आ गई लास्ट पर,
समअप कर रही हूं मैं। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट करें उसको या पब्लिश करें, जो भी वर्ड आपको अच्छा लग रहा है आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। हाईलाइट और पब्लिश द मैटर या आर्टिकल, आर्टिकल वो जो कॉमन चीजें हैं वोमेन पे, कंप्यूटर पे, एजुकेशन पे, आप उस पर जो है लिख देंगे टू। और यदि इतना भी आपको ना ध्यान रहे बेटा तो आप मैटर लिख देना, बात ही खत्म। मैटर इन योर न्यूज पेपर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो इस मैटर को अखबार में हाईलाइट कीजिए। अब उसके बाद आपका लास्ट का स्टेप क्या है बेटा, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड, ये स्टेप आप याद कर लेना तो आपका लेटर जो है कंप्लीट हो गया। आपको एक बार फिर से ब्रीफिंग कर दूं मैं ताकि आपको दोबारा से, ये देखिए सेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, और बीच की यहां पर जस्ट आपका बिगनिंग है और उसके बाद जो है आपका लास्ट में ये आ गया। तो आई होप बेटा आपको सबको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया है बेटा अच्छा लगा है, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करना ताकि आपको सभी वीडियोस समय पर मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।